दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी और ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी से तीसरे दिन का मिला सबसे बड़ा विकेट है और कैसे जाते जाते धोनी के खास जड्डू ने हमें एक बहुत ही तगड़ा विकेट दिलाकर कमबैक करा डाला है फिर से इस मैच में। आपको उनकी गेंदबाजी और साथ ही इस दिन के हाइलाइट्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और पांड्या में बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC फाइनल के तीसरे दिन के खेल में फाइनली भारतीय क्रिकेट टीम ने एक जबरदस्त कमबैक किया है। अजिंक्य रहाणे और जडेजा की बल्लेबाजी तो हमने दूसरे दिन में बहुत ज्यादा एंजॉय करी थी, लेकिन आज तीसरे दिन के खेल में भी मुकाबला पलट गया। दोस्तों इस मैच में अब तक हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगेंस्ट लगाए थे पूरे 470 रन के करीब, जिसके जवाब में हमारे खिलाड़ी तो 70 पे 4 विकेट गंवा चुके थे। वो तो अजिंक्य रहाणे की 89 रन की पारी देखने को मिली और जड्डू भी दूसरे दिन में 48 रन बना गए और ठाकुर साहब यानी कि शार्दुल ठाकुर भी साबित कर गए कि उन्हें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर क्यों कहते हैं। 109 गेंदों में 51 रन बनाए और इन्हीं 51 रन के दम पर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 296 तक पहुंची। हालांकि अब भी कंगारू हमसे आगे थे और अब मकसद केवल एक था, जल्द से जल्द विकेट ले लो ताकि चौथे और पांचवें दिन में चेज करने का मौका मिल जाए। 200 विकेट लेना इतना आसान तो होने वाला नहीं था क्योंकि पिच दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी इस विकेट गिरने के सिलसिले की शुरुआत करी मैदान में आज मोहम्मद सिराज ने। 200 सिराज ने आते ही सबसे पहला शिकार बनाया डेविड वार्नर को। इससे पहले कि वार्नर कुछ हरकत कर भी पाते, डेविड वार्नर को तो सिराज ने एक रन पर श्रीकार भरत के हाथों कैच आउट करा दिया था। इसके बाद उमेश यादव आए और उस्मान ख्वाजा को, उन्होंने 13 रन पर श्रीकार भरत के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन असली कमाल दिखाया हमारे सबके फेवरेट ऑलराउंडर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम रविंद्र जडेजा ने। भाई रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी अपने आप में कमाल है, इस बात में कोई शक नहीं, और आज जड्डू ने इस बात को फिर से साबित भी करके दिखाया। और कोई ऐसे वैसे खिलाड़ियों का विकेट नहीं लिया, उन खिलाड़ियों का विकेट लिया है जो भारत के लिए WTC के फाइनल में जीत में सबसे बड़ा कांटा थे। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव स्मिथ की। ये तो वही फेवरेट हैं रविंद्र जडेजा के, और फेवरेट खिलाड़ियों को ऐसे ही थोड़ी जाने देते हैं रविंद्र जडेजा। 34 रन बना चुके थे स्मिथ साहब 47 गेंदों में, 34 रन 3 चौके, और रविंद्र जडेजा ने आते ही ठाकुर के हाथों इन्हें कैच आउट कराकर बोला भाई आप पवेलियन में बैठिए आराम कीजिए। लेकिन इससे भी बड़ा विकेट दिलाया दोस्तों रविंद्र जडेजा ने हमें पारी के 37वें ओवर में। इस ओवर में उनके सामने वो खिलाड़ी था जो अभी हाल फिलहाल में 163 रन बनाकर गया, और इन्हें कुछ ऐसे अंदाज में आउट किया गया है ना, पलक झपकते ही किसी को यकीन नहीं हुआ कि इनका तो विकेट मिल गया पहले तो, और ना ही इस विकेट को ये कभी भूल पाएंगे। हम बात करें ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड इस बार भी 27 गेंद में 2 छक्के 18 रन बना चुके थे, और जड्डू की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने जडेजा को पहले से ही उकसा दिया था। और मैदान में कुछ भी कीजिए, लेकिन रविंद्र जडेजा को ना उकसाइए तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर तीसरी गेंद पर जड्डू ने उसे बहुत ज्यादा स्लोअर गेंद में तब्दील कर दिया जिसकी रफ्तार 90 के आसपास थी, और फिर यही खिलाड़ी जड्डू को कैच दे बैठा यानी कि कॉटन बोल्ड हो गए 18 रन पर। दोस्तों जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर चुके हैं, बस अब बाकी खिलाड़ियों को आउट करना है और हमारे सामने होगा फिर WTC को जीतने का लक्ष्य। फिर या तो उसे चेस कर लेंगे या फिर मुकाबला ड्रॉ होगा या फिर शायद ही हम हार पाएंगे। लेकिन आज जडेजा की गेंदबाजी ने दिन बना दिया, सबका दिल भी जीता। परंतु आप सभी जड्डू की इस खूबसूरत गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।